डोमेस्टिक है ये डॉग, कितना क्यूट है आप ये देख सकते हैं। हमारे यहाँ पे कुत्ते हैं तो देख के मुझे बहुत ही एंजॉय आ रहा है। और तो भैया आपको यहाँ पे सबसे प्यारा कौन से ब्रीड का डॉग लगा ये बताइए? पोमेरियन वाला। पोमेरियन वाला आपसे नहीं, बहुत बहुत इनको भी देख सकते हैं, ये झुंड में है। और इस बार अगर आप आए सोना प्यारा है और बहुत सच में ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ जल्दी आपके साथ। हम आ चुके हैं सोनपुर मेला के कुत्ता बाजार, जी हाँ, डॉग शॉप जिसको बोल सकते हैं। प्यार से कुत्ता बोलने में लोग सोचते भी हैं, जो कुत्ते प्रेमी होते हैं उनको बुरा लग जाता है। हम यहाँ जाएंगे और जानेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पे देश के बहुत ऐसे विभिन्न विभिन्न तरीके, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे लोग जा रहे हैं तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऐसे बहुत से प्रजाति के कुत्ते जो हैं वो यहाँ लाए गए हैं। हम आपको एक एक करके बताएंगे, जितना हमसे हो पाएगा हम आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लैक लैब्राडोर है, देख सकते हैं आप। और भी यहाँ पे अंदर में कुत्ते हैं, हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुत्ता ब्रीड का है, यहाँ पे जर्मन शेफर्ड इसको बोलते हैं। ये जर्मन शेफर्ड है, आप देख सकते हैं वहाँ पे उसका बच्चा भी है। वहाँ पे आपको कोने में अगर आप देख रहे होंगे तो ये गोल्डन रिट्रीवर इसको बोलते हैं, वो वहाँ पे मेस्टिफ है। उसके ठीक बीच में जो छोटा सा दिख रहा है उसको लैब्रा बोलते हैं, ब्लैक लैब्राडोर है। यहाँ भैया एक सेकंड आप हंस जाएंगे क्या, देख सकते हैं आप ये पोमेरियन के छोटे छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं ये कितने प्यारे हैं, कितने क्यूट हैं, छोटे छोटे से हैं सारे। आप देखिए इनका चेहरा कितना प्यारा लग रहा है। और भी अंदर हैं, हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। इनका इसका क्या नाम है भैया? 11,000। इसका 11,000 दाम है। ये कौन सी ब्रीड है? पोमेरियन है। ये मेल है या फीमेल है ये नहीं मालूम, ये आपको नहीं पता है? तो मतलब ये कहाँ से आप लोग आए हैं? सब पटना। सब पटना से हैं आप लोग, मतलब आप लोग पटना से यहाँ आए सोनपुर मेला को लेकर के। आपका पटना में शॉप कहाँ पे है भैया? इंपोलियम, इसका टोली सिरसा रोड पटना 7। अच्छा पटना 7, ठीक। तो देख सकते हैं आप यहाँ से पटना से यहाँ है, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे डॉग्स हैं, पोमेरियन है, ये सारे पोमेरियन ब्रीड के हैं। आप आगे आइए, हम और भी अंदर आपको अंदर की तरफ दिखाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे खरगोश भी हैं, जी आप हट सकते हैं एक सेकंड तो हम दिखा दें। यहाँ पे आप देखिए, मतलब भैया ये मतलब आप लोग कहाँ पे, कहाँ से आए आप लोग? पटना। पटना से, मतलब पटना में शॉप कहाँ है आपका? गायघाट के नीचे। गायघाट पे। ये भैया मतलब ये देसीला है या फिर ये बाहर का है? ये बेल्जियम खरगोश है। एक मिनट भैया, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप सामने आके थोड़ा बता देंगे। ये बेल्जियम खरगोश है जी, ये आपको लोकल खरगोश है इंडिया। इनका भैया रेट क्या होगा? इसका 800 रुपये जोड़ा है, ये 500 रुपये जोड़ा है। 500 रुपये का जोड़ा है, तो मतलब ये जोड़े में ही आप देंगे, सिंगल नहीं देंगे? सिंगल भी देंगे। सिंगल कैसे पड़ेगा भैया? सिंगल 400-300। अच्छा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भैया आई थिंक ये खरगोश है, मतलब ये चूहा है शायद, इसको हैमस्टर बोलते हैं जहाँ तक हमें पता है। तो इसका भैया क्या प्राइस है? 650 रुपये जोड़ा है। 650 का जोड़ा है, ठीक है। ये आप देखिए यहाँ पे ये शायद ये मेस्टिफ है जहाँ तक मेरे को पता है, ये मेस्टिफ है ये डॉग, कितना क्यूट है आप ये देख सकते हैं। हम आपको दिखा रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये आई थिंक ये कैट है। ये कहाँ है आगे शॉप वाले, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे। भैया आप हमें बताइए ये कौन सा ब्रीड का कैट बताओ? आप कैट का ब्रीड बताएंगे आप, ताकि हमारे दर्शकों को पता चले। ये पर्शियन कैट है। ये पर्शियन कैट है, तो पर्शियन है ये भैया, और ये ऊपर में भी पर्शियन है? नहीं, ऊपर अल्लाह सा एप्सो है, डॉग है ये। ये डॉग है, ये कौन सा ब्रीड है डॉग का? एप्सोलासा। एप्सोलासा, ओके, थैंक यू। इसका भैया क्या प्राइस है? इसका एप्सोलासा का 15,000 रुपये। और इनका ये जो है 10,000 रुपये? 10,000 का है, थैंक यू। छोटे छोटे यहाँ पे ये डॉग के ब्रीड है। भैया ये कौन से डॉग के ब्रीड है? पोमेरियन है, ये सारे पोमेरियन है। ये भी है, ये तो पोमेरियन नहीं लग रहे भैया, ये पोमेरियन ही। ओरिजिनल ब्रीड के हैं ये यार, ये बहुत। ये कौन सा डॉग है? कल्लू डॉग है। अच्छा, बंद करिए कैमरा पॉज करिए, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो मेले में एक ये कॉर्नर स्पेशली दिया गया है जानवरों को लेकर के, जो भी जानवर प्रेमी हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे हैं, ये सब बाहर से आए हैं। आप भीड़ देखिए लोगों का किस तरीके से, ये सब ये सारे लोग। आप क्या बोलना चाहते हैं आप? तो गाइस मैं अभी आया हूँ घूमने के लिए कुत्ता बाजार, और बहुत सारे यहाँ पे कुत्ते हैं,
तो देख के मुझे बहुत ही एंजॉय आ रहा है। और तो भैया आपको यहाँ पे सबसे प्यारा कौन से ब्रीड का डॉग लगा ये बताइए? वाला पोमेरियन वाला। हाँ वही अच्छा लगा। आप लोगों को कौन कौन सा आप लिए कि नहीं लिए? मैं लिया नहीं, नहीं लिए नहीं आप? मैं देखने के लिए आया। बस देखने के लिए आप आए थे। कहाँ से आए आप? झारखंड से। झारखंड से आप सोनपुर मेला देखने आए? बस डॉग्स को लेके आप देखने के लिए? बस देखने के लिए आया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आ रहे हैं जिनको जानवर बहुत प्यारे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जानवर। जी जी अंकल बताइए, आप बताइए, आप सोनपुर मेले में आए हैं तो क्या सोच के आए थे आप सोनपुर मेले? हम सोच करके ही आए कि हमारा जन्मभूमि है यहाँ बिहार, नालंदा। नालंदा से? नालंदा से मैं हूँ, मेरा परवलपुर ग्राम लालगंज है और वहाँ से आया हूँ। प्लस पर्सनली हम कई बार आ चुके हैं सोनपुर का, मतलब ऐतिहासिक है आज से नहीं बहुत अंकल। ये लगा है इस बार सोनपुर मेला कोरोना के बाद, तो आपको क्या लगता है मतलब इस बार कुछ खास किया है सरकार ने सोनपुर मेला को और विशेष बनाने? नहीं, नहीं ऐसा कोई खास तो नहीं है, खास नहीं। जैसे हर साल होता है वैसे जैसे हर साल होते आई है वैसे इस साल भी, इस वर्ष भी यही है। और जैसे घोड़े का और हाथी का, हाथी तो इस बार मेरे को देखने को नहीं मिला है। नहीं इस बार हाथी नहीं आया, नहीं इस बार तक हमें भी पता है। हाँ हाथी नहीं आई है लेकिन बसरते बहुत वेल एंड गुड, वेल एंड गुड है। तो देख सकते हैं आप इस बार इनको इतना तो नहीं कह सकते हैं, काफ़ी कुछ बदलाव नहीं है इस बार सोनपुर मेले में। लेकिन हाँ ये जो कुत्ता मेला है जिसको हम कह सकते हैं कि डॉग शॉप जो लगता है, डॉग कॉर्नर जो बनाया गया है, ये हर साल लगता है। और यहाँ पे मतलब अलग अलग तरीके के, मतलब विभिन्न प्रकार के जो डॉग्स के ब्रीड हैं वो आपको हम दिखाया, हमने कैमरे के माध्यम से हमने बताया। तो आप एक बार सोनपुर मेला आएँ तो एक बार यहाँ आकर आप ज़रूर घूमें, आप यहाँ एक बार आएँ। और देखिए यहाँ पे कुत्ते ही नहीं, यहाँ पे बहुत से बत्तख, किसको बोल सकते हैं डक, ये वो हैं शायद, आप इनको भी देख सकते हैं, ये झुंड में है। और इस बार अगर आप आएँ सोनपुर मेला तो आप इस जगह को आप ज़रूर घूमें। जो भी जानवर प्रेमी हैं, जिनको डॉग बहुत पसंद हैं, जो जानवर लेना चाहते हैं बहुत ही किफ़ायती दाम में, हम कह सकते हैं आपको बहुत ही किफ़ायती दाम में यहाँ पे जानवर मिल रहे हैं जिनको आप घर ले जा सकते हैं, पाल सकते हैं। ये जर्मन शेफर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ऐसे कुत्ते हैं। आप भैया डॉग ले रहे हैं जहाँ तक हमें पता है ना, आप ले रहे हैं डॉग? अभी लिए नहीं है, लिए नहीं है आप? फिलहाल लिए नहीं है, अभी पसंद नहीं कर रहे। अच्छा आप पसंद करें आप, तो मतलब क्या मतलब ये आपको तो काफी डर लग रहा है, आप कैसे रखेंगे इसको? अरे वो तो सूटेबल है, कम्फर्ट जोन में आने के बाद वो खुद कम्फर्ट हो जाता है। इसका भैया क्या है, ये कौन सा ब्रीड है? लाइब्रा का बच्चा है। लाइब्रा का बच्चा है ये भैया ओरिजिनल ब्रीड है या फिर क्रॉस ब्रीड है? ये आपको क्रॉस ब्रीड है, ठीक है, रियल में लेना है। अच्छा जी बताइए भैया, इस तरीके से मत उठाइए भैया, जो भी डॉग प्रेमी होते हैं उनको बुरा लगता है। ये कौन सा ब्रीड है? ये लेब्रा है आपको? ये लेब्रा है, ये ओरिजिनल लेब्रा है। तो ये मेल है या फिर ये फीमेल है? ये मादा है। ये मादा है, तो इनका क्या भैया आप लोग मतलब आप 11,000 रुपया दाम? 11,000 जी। तो ये कितने महीने की है अभी? डेढ़ महीने की है। डेढ़ महीने की है। तो देख सकते हैं आप कितने प्यारे प्यारे हैं ये डॉग्स, जिनको आप जरूर आए एक बार मेला तो आप घर लेके जाए ताकि इन्हें भी कोई आश्रय मिले। हम तो अपने जितने भी हमारे दर्शक हैं हम उनसे यही अनुरोध करेंगे, आप इस बार मेले में आए तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि जो भी डॉग प्रेमी हैं उनको ये जगह काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर रही है। आप देख सकते हैं लोगों का भीड़, आप देखिए जो जी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बोर्ड भी लगाया है जहाँ पे सरकारी रेट, जो सरकार द्वारा जो है ये सरकारी रेट आपको दिखाया गया है कुत्ता बाजार का, जो आप देख सकते हैं हर चीज़ का, चूहे का, बटेर का, जो भी मुर्गी, खरगोश, बतख, मुर्गा, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे, कुत्ता, पग, आप देख सकते हैं कितने का है। तो आप अगर आना चाहते हैं सोनपुर मेले में तो आप एक बार ज़रूर और यहाँ आके ज़रूर घूमें। जो भी जानवर प्रेमी हैं उनको ये जगह काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है, इस बात की तो गारंटी हम आपको दे रहे हैं। यहाँ पे एक अंकल हैं, शायद उन्होंने एक डॉग लिया है, हम उनसे भी बात करेंगे उन्होंने क्या सोच के डॉग लिया है। अंकल आपने ये डॉग ले लिया है? अंकल आपने ये डॉग ले लिया, ये काटेगा तो नहीं ना? नहीं 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 काटेगा, नहीं काटेगा। क्या नाम हुआ अंकल आपका? केशव कुमार मिश्रा। केशव कुमार मिश्रा, तो अंकल आप कहाँ से आए हैं? हम चंपारण से आए। चंपारण से, तो अंकल क्या सोच के आपने इसको लिया है, मतलब आप बहुत ज्यादा अटैच हैं डॉग से? तो ऐसा ही है कि फैमिलियर होता है ये, फैमिलियर होता है। ये कौन सा ब्रीड है अंकल? ये लेब्राडोर है। लेब्राडोर है, गोल्डन लेब्राडोर। तो मतलब आप आए हैं स्पेशली आप इसी के लिए आए? हाँ इसी के लिए। इसी के लिए आया। तो आपने इसको कब लिया? अभी जस्ट लिया। अभी जस्ट लिया आपने, तो अब इसको आप लेकर वापस जाएंगे? हाँ लेकर जाएंगे। कितने में लिया आपने अंकल इसको? ये 16,000 में लिया। 16,000 में लिया। ये कितने महीने का है? ये 9 महीने का। 9 महीने का है। क्या नाम है इसका अंकल?
ये नाम तो इसका जिमी नाम है। जिमी नाम बताया आपने दिया है भैया इसको, आपसे इन्होंने लिया है। तो भैया इसका डाइट क्या है? दूध रोटी पेडिग्री खाएगा आपको इसको। पेडिग्री खाता है ये तो दूध रोटी, मतलब नॉनवेज वगैरह इसका क्या क्वांटिटी है आप बताएं? नहीं नहीं दूध है पेडिग्री दीजिए इसको। ये नॉनवेज ऐसा नहीं कि कोई कोई ऐसे होते हैं जो एडिक्टेड होते हैं कि नहीं हमें बस वही खाना है, ऐसा कुछ नहीं है इसका। मतलब आपने इसको पूरा हिस्ट पुष्ट खाना खिलाया है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा प्यारा है और बहुत सच में ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। ये तो हम तो अपने दर्शकों को यही बोलेंगे कि आप इस बार अगर मेले में आए तो आप ज़रूर आए। सच बात है, ये जो जानवर होते हैं स्पेशली जो कुत्ते होते हैं वे मतलब वैसा होता है कि वो उनसे ही प्यार करते हैं जो उनसे प्यार करे। तो हम दर्शकों को यही बोलेंगे कि आप इस बार सोनपुर मेला आए तो यहाँ ज़रूर आए। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।